1 से 3 साल का निवेश करना है तो कहां करें, लोग पूछते रहते हैं। 1 से 3 साल का निवेश करना है तो वो शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट हो गया, और डेफिनेटली उसके लिए जो जो तरीके हैं मैं आपको बता रहा हूं। पहले ये देखो कि आपको निवेश जो करना है उसमें पहला आपको जो निकाल के रखना है बाजू में वो है इमरजेंसी फंड, जो हम बैंक में रखते हैं। अदरवाइज बैंक में पैसा रखना नहीं है, इमरजेंसी फंड के अलावा बैंक में पैसा रखना नहीं है। बैंक में आपको 5-7% रिटर्न मिलेगा जो इन्फ्लेशन से, इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकता है, तो बैंक हो गया। आप गोल्ड में पैसा रखते हो, गोल्ड में भी आप इमरजेंसी फंड रख सकते हैं, गोल्ड में भी आपको 6-8% ऐसा पैसा मिल सकता है, इतना रिटर्न मिल सकता है। पर गोल्ड का प्रॉब्लम ऐसा होता है कि ज्वेलरी में आप डालोगे तो पैसा कम हो जाता है क्योंकि मेकिंग चार्जेस लगते हैं, और बाकी गोल्ड आपको रखने के लिए उसके रखवाली करना है सिक्योरिटी के हिसाब से, वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो पैसा और गोल्ड, ये दो ही चीज़ें इमरजेंसी फंड के लिए। फिर दूसरा होता है हमारा, इमरजेंसी फंड में क्या करना है, इमरजेंसी फंड में उतना ही पैसा रखना है जो आपको 12 महीने खर्च करने के लिए काम में आएगा। समझो आप बीमार हो गए, कोई भी कारण से फिर से कोविड आ गया और आप अभी इनकम नहीं कर पा रहे, तो 12 महीने यदि आप इनकम भी नहीं कर पाते तो अपना घर चलेगा, रोटी कपड़ा मकान मिलेगा, इतना फंड आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए जो बैंक में आपने रखा हुआ है। फिर आ गया हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस आपका खुद का, माँ बाप का, बच्चों का, सबका होना चाहिए ताकि आपका बजट जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा यदि आपके घर का कोई बीमार होगा तो। तो ये हो गए हेल्थ इंश्योरेंस का, इमरजेंसी फंड का, और तीसरा जो बहुत महत्व का है वो है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस मतलब आपको कुछ हो गया तो आपके ऊपर जो डिपेंडेंट लोग हैं उनको 50 लाख मिलना चाहिए, 1 करोड़ मिलना चाहिए ताकि वो उनका गुजारा कर सके आपके बिना, क्योंकि इंश्योरेंस जो है वो आपके लिए नहीं है, इंश्योरेंस आपके ऊपर डिपेंडेंट जो लोग हैं उनके लिए। तो कभी भी कोई भी एजेंट आपके पास में आता है, बहुत बोलेगा कि बहुत अच्छे रिटर्न मिलते हैं, बहुत अच्छे रिटर्न मिलते हैं, इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करो, बोलना नहीं करना है इंश्योरेंस में, इंश्योरेंस में ज़्यादा से ज़्यादा हमको समझो 1 करोड़ का करना है तो 11-12 हज़ार 13 हज़ार रुपये लगेंगे साल के, और उसमें आपको 1.25 करोड़ का कवरअप मिलेगा, तो वो लेना है टर्म इंश्योरेंस। अभी ये होने के बाद में फिर पैसा आता है कि रखना कहाँ है, तो हम बोलते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड या शेयर में आपको रखना है तो आपने 5 साल कम से कम वापस लेने की चिंता मत करो, मतलब निकालना नहीं है, 5 साल के लिए लॉक समझ लो। तो फिर 5 साल के लिए हमको यदि शेयर स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड में डालना है तो वो डालना है 5 साल वाला। अब आ गया आपको यदि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो 5 से 10 साल आपने इन्वेस्ट करना है, वो हो गया लॉन्ग टर्म। और लॉन्ग टर्म आपने करना है शेयर से म्यूचुअल फंड में, क्योंकि शेयर से म्यूचुअल फंड में आप 1-2 साल के लिए निवेश मत करो, हो सकता है कि 1-2 साल मार्केट उठा ही नहीं तो आपको प्रॉब्लम है। तो फिर क्या है, आपको निवेश करना है सिस्टमेटिकली और लंबे समय के लिए शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में। अब आगे बारी फिर और कहाँ, तो और है कॉरपोरेट बॉन्ड्स। कॉरपोरेट बॉन्ड्स आप समझ लो कि आप जितना भी निवेश करते हैं, 1 लाख 2 लाख 5 लाख जितना भी निवेश आप करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली आपको 9 से 11% मिलता है जो इन्फ्लेशन को, महंगाई को बीट करता है। तो कॉरपोरेट बॉन्ड कैसे काम करते हैं, कॉरपोरेट बॉन्ड मतलब समझो रिलायंस कंपनी है। अब रिलायंस कंपनी को समझो 1000 करोड़ रुपये चाहिए, 1000 करोड़ चाहिए, अब उनको बैंक के पास जाना नहीं है, बैंक के पास फुल हो गई लिमिट, अब बोलते हैं कि भाई हम पब्लिक से पैसा उठाएंगे। तो वो क्या करते हैं कि वो बोलते हैं कि हमारे पास में 1200 करोड़ रुपए के असेट है, 1000 होना है, 1200 के असेट है, ऐसा पब्लिक को बोलते हैं, और पब्लिक से पैसा उठाते हैं 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख, और पब्लिक को बोलते हैं हम आपको 10% देंगे या 11% देंगे। इसमें 2 कंपनियाँ होती है अलग अलग, एक कंपनी ऐसे कि वो 3 साल के लिए लॉक इन पीरियड है, 3 साल के बाद में पैसा मिलेगा, वो ज़्यादा पैसा मिलता है क्योंकि लॉक इन पीरियड है। और कुछ कंपनी ऐसी होंगी बोलेंगे कि आपका पैसा जो है समझो 10 लाख है तो 3.25 लाख 1 साल में, 3.25 लाख 1 साल में, 3.25 लाख 1 साल में, ऐसा हम आपको रिटर्न करेंगे ब्याज समेत। तो ये सेकंड चॉइस जो है उसमें आपकी रिस्क कम होती जाती है क्योंकि आपको 1/3 पैसा अपना आ गया है 1 साल के बाद में, तो वो जरूरी अच्छी कंपनी है और वो इस तरह का पैसा वापस दे रही है साल साल में, तो डेफिनेटली इस तरह का आपने इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ऐसा है कि कंपनी यदि अच्छी नहीं होंगी, उसका रेटिंग AAA होना जरूरी है, समझो B है, आपने लालच में 12-13% से डाल दिया पैसा, कंपनी अच्छी नहीं है तो पैसा डूब सकता है, तो उसकी रिस्क है। फिर दूसरा प्रॉब्लम है लैक ऑफ लिक्विडिटी, मतलब वो कंपनी ने आपको पहले से बोला है कि भाई हम 3 साल आपके पैसे वापस देंगे नहीं, तो फिर आप 3 साल पैसा वापस उठा सकते नहीं है क्योंकि लॉक इन पीरियड कंपनी डाला हुआ है। और तीसरा जो है वो फ्रॉड रिस्क है। फ्रॉड रिस्क मतलब कैसा है कि कंपनी ने बोला कि हमको 1000 करोड़ होना, 1200 करोड़ रुपए की असेट कंपनी ने बताई हुई है कि हमारे पास में है और वो गिरवी रखी है,
अब वो जो 1200 करोड़ की असेट है वही फ्रॉड निकले, मतलब कंपनी ने चीटिंग किया, तो ये सब बातें हो सकती है। तो इसलिए हमको ये देखना है कि उसका क्रेडिटिंग क्या है और कम से कम रिस्क वाली कंपनी हमको ढूंढ के उसमें पैसा रखना है। REIT का जो है रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, वो मैंने अगले पहले वीडियो में बताया था, 1 से 3 साल समझो आपको शादी करना है, 3 साल बाद पैसा लगेगा, बच्चों का एजुकेशन है 3 साल बाद, या शादी है बच्चों की 3 साल बाद, यूरोप टूर जाना है 2 साल बाद, कोई भी हो और आपको पैसा चाहिए तब तब आपने ये कॉरपोरेट बॉन्ड्स में रखना चाहिए, जो आपको बॉन्ड्स अच्छा रिटर्न 9 से 11 रखा अच्छा रिटर्न सेटल रिटर्न देंगे। कौन सा बॉन्ड जो नाम बहुत चर्चे में, अभी टाटा ने निकाला था हम बोलते चलो भाई अच्छा है, रिलायंस ने निकाला तो चलो अच्छा है, एक्सिस बैंक निकालती है, SBI निकालती है, तो वो बॉन्ड्स जो भी बॉन्ड्स है जो नामी जानी कंपनी है वो निकालती है बॉन्ड्स, तो डेफिनेटली हमने वो खरीदना चाहिए। आपको अच्छा लगा जो लोगों को शेयर करूँ, क्योंकि मीडियम टर्म वाले जो 1 से 3 साल वाले वो अक्सर बैंक में रखते हैं और प्रॉब्लम उनको होता है क्योंकि वो पैसा बढ़ता नहीं है। थैंक यू वेरी मच।